हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विभास लाइफ में। तो चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का कलौंजी। मेरे यहाँ ये कलौंजी का बैंगन पड़ा था, छोटा छोटा है, गोला गोला। कलौंजी का नहीं, इसका चोखा भी बनता है, लेकिन हम जा रहे हैं इसका बनाएंगे आज कलौंजी एक नया तरीका से। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बैंगन का कलौंजी। तो चलिए बनाते हैं बैंगन का कलौंजी। उसके लिए चाहिए जो मसाला, ये है प्याज, एक छोटा मीडियम साइज है, ज्यादा छोटा नहीं। और ये लहसुन है और लाल मिर्च है सूखा, ये थोड़ा सा कलौंजी मसाला। और ये मिर्ची का अचार, जो मोटा मिर्चा बड़ा वाला होता है उसका ये अचार। और उसके बाद ये रहा इसमें हल्दी पाउडर, और उसके बाद ये नमक। बस इसमें इतना ही डलेगा। अब इसको पीस लेंगे बिना पानी का, इसमें पानी नहीं डालना है, बस इसको ही पीसना है। ये देखिए मेरा पेस्ट बन के तैयार हो गया मसाले का। ये मसाला बहुत स्वादिष्ट होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा लहसुन प्याज अचार जो सब मिक्स है। ये मसाला आप आलू के केवल सब्जी में भी इसको डालकर बनाइए, बहुत ही मस्त एकदम चटपटा लगता है ये मसाला। तो अब चलते हैं, इसको भरेंगे बैंगन में। मैं इसके किनारे किनारे का ये थोड़ा थोड़ा काट देंगे, और उसके बाद ये डंडी लगा रहेगा इसमें, और ये थोड़ा सा किनारे से छोड़ के इसको पतले पतले भाग में ऐसे कटिंग कर देंगे पूरा बैंगन में। ऐसे ये देखते भी बनता है कि सड़ा है कि नहीं, दिख जाता है इसमें कीड़ा लगा है कि नहीं, एकदम फ्रेश बैंगन है। तो इसी तरीके से पूरे बैंगन में चीरा लगा देंगे कलौंजी बनाने के लिए। और इसी तरीके से ये आलू भी काट लेंगे पतला पतला में ऐसे ही। ये देखिए मेरा पूरा बैंगन कट चुका है। अब इसमें ये मसाला को आराम से भर देंगे धीरे धीरे सब में, थोड़ा थोड़ा जितना भी कटिंग किए हैं सब में थोड़ा थोड़ा ऐसे भर देंगे इसको। ये बहुत ही अच्छा लगता है ये बैंगन का कलौंजी। तो मेरे यहाँ तो जब भी आता है हम ज्यादातर कलौंजी ही बनाते हैं बैंगन का, सब्जी कम बनाते हैं, सब्जी मेरे यहाँ कम पसंद है सबको। तो अभी हम ये रखे थे बैंगन कि बिट्टू आएगा तो बनाएंगे, लेकिन वो तो अभी बनारस से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है आजकल रोज कर रहा है। देखिए बोला है कि अभी कल आएंगे, अब वो कब आता है। तो हम कहीं अभी बना देते हैं, फिर उसके लिए वो आएगा तो दूसरा बैंगन मंगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरा बैंगन मेरा भरा गया एकदम अच्छे से, ऐसे ही आराम से धीरे धीरे पूरा भर लेंगे। हाथ से ही भरेंगे, हाथ से थोड़ा अच्छा से भरा जाता है, चम्मच से अच्छा से नहीं भरा पाता, जहां हाथ ना लगे वहां स्वाद नहीं आता खाने में, ये तो है। तो इसलिए हाथ से भरने में बहुत अच्छा रहता है, चम्मच से भरेंगे वो टूट जाता है चम्मच वाला। तो हाथ से ऐसे इसको आराम से अच्छे से, मतलब ज्यादा इसको फाड़ेंगे नहीं, ज्यादा फाड़ेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो इसको आराम से बस थोड़ा थोड़ा फाड़ेंगे तो भी पूरा अच्छे से भरा जा रहा है। ये देखिए मेरा बैंगन भरा के तैयार हो गया, ऐसे ही पूरा बैंगन भर लेंगे। अभी हम कढ़ाई चढ़ा के तेल डाल दिए हैं, तेल इसमें ज्यादा नहीं, बहुत मतलब कम ही लगता है, बैंगन है ना गल जाता है। और मेरे यहाँ ये पड़ा था दो तीन ठो करेला,
इसको भी इसी में हम भर दिए, नहीं तो ये खराब हो जाता। ये दो तीन ठोई था तो इसलिए इसको भर दिए हैं। अभी मेरा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें बैंगन डाल देंगे। ये करेला भी इसी में डाल देंगे, पक जाएगा। और इसमें नमक तो डाले ही हैं, बस ऊपर से एकदम बहुत हल्का हल्का छिड़क देंगे, बस इतना ही। इसको डालने के बाद थोड़ा थोड़ा हिला देंगे इसको, ताकि तेल सब में लग जाए अच्छे से। अभी इसको एकदम धीमी आंच पे करके इसको ढक देंगे, और इसका फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा, और ऐसे ही ये आराम से धीरे धीरे पकेगा। और इसको बीच बीच में इसको उलटते पलटते रहेंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद इसको अभी आराम से पलट देंगे। ये डंडी इसीलिए छोड़ देते हैं, डंडी पकड़ के पलटने में आसानी हो जाती है। ऐसे ही पूरा करेला आलू सब पलट देंगे, फिर से इसको ढक देंगे, फिर खोलेंगे 10 मिनट बाद। ऐसे ही करके इसको धीमी आंच पे पका लेंगे पूरा। तो अब देखते हैं मेरा कलौजी का क्या हाल है। ये देखिए एकदम अच्छे से पक चुका है, बैंगन आलू करेला मस्त पका है एकदम। ये देखिए अच्छे से हो गया है, पक चुका है। आलू भी हो गया है। ये देखिए आलू मेरा पक चुका है, देखिए एकदम अच्छे से हो गया। अब हम बंद कर देंगे गैस को। मेरा कलौजी बन के बैंगन का तैयार हो गया। अगर आप लोगों को ये मेरा बैंगन का कलौजी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप भी मेरे परिवार में शामिल हो जाइए, और जो नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक ज़रूर करिए वीडियो, पसंद आए तो भी, नहीं पसंद आए तो भी, पर लाइक करिए। मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।